अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम के पुण्य अवतरण की धरती अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूँ अश्विनी कुमार मिश्र। अयोध्या की यह पुण्य भूमि भगवान लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतरण की भूमि है। भगवान श्री राम ने इसी धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड में इसी धरती को अपने अवतार के लिए चुना। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या जो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, आज जो अयोध्या पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है, आज जो अयोध्या सनातन संस्कृति की पुण्य भूमि है, आज जो अयोध्या सनातन संस्कृति का कीर्ति दिव्य स्तंभ है, वहां पर हम पहुंचे हैं जनता की वाणी जानने के लिए अपने विशेष कार्यक्रम जनवाणी में। जनवाणी में आपका स्वागत है और जनवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य है लोक वाणी जानना। लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो फैजाबाद सीट की, यानी अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम जो कि सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ, जिस तरीके से मैंने बताया, अयोध्या धाम जो कि समूचे ब्रह्मांड में विशिष्ट स्थान केवल इसलिए रखता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने अपना जन्म लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या केवल धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं है भारत की, बल्कि ये अद्भुत रूप से राजनीतिक रूप से सचेष्ट स्थान है। पिछले 3 दशकों में भारत की राजनीति इसी अयोध्या से निश्चित की गई है, इसी अयोध्या से तय हुई है। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या अगर सांस्कृतिक राजधानी है तो ये राजनीतिक प्रयोगशाला भी रही है। 500 वर्षों का लोगों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ है। भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बना है और दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज भगवान श्री राम का वनवास अयोध्या में समाप्त हुआ है। 14 वर्ष का वनवास उन्हें हुआ था त्रेता युग में, लेकिन 500 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ और भगवान श्री राम दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं उनके दिव्य स्वरूप का। जनता जनार्दन हमारे साथ है, साथ ही साथ अयोध्या के जनमानस जो कि जिनको भगवान श्री राम ने खुद कहा कि सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा के क्या कुछ मुद्दे हैं। हमारे साथ हैं विशिष्ट मेहमान के रूप में भाजपा प्रवक्ता अवधेश पांडे बादल जी, स्वागत है आपका अवधेश जी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बसपा के इस फैजाबाद सीट से प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही साथ निष्पक्ष राय देने के लिए, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ हैं बड़ी संख्या में राम की पैड़ी पर मौजूद जनता जनार्दन, जिनसे हम जानेंगे निष्पक्ष राय और जिनसे हम जानेंगे जनता के मुद्दे। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। पिछले 3 दशक में जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय राजनीति की धुरी रही है। धुरी इस मायने में कि सियासत यहाँ से बनी, सरकारें यहाँ बनी, सरकारें यहाँ की वजह से गिरी और साथ ही साथ पूरे देश में राजनीतिक संचेतना का एक नया प्रवाह अयोध्या से हुआ। क्या कुछ अयोध्या का संसदीय इतिहास रहा फैजाबाद सीट का, वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं, आपसे जानेंगे अवधेश जी। 400 पार का नारा राम के नाम पर या फिर काम के नाम पर? विरासत भी, विकास भी। हमारे पास राम का नाम भी है और हमारे पास काम भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का वनवास पूरा हो गया है और भगवान राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गए हैं और इसी के साथ ही अयोध्या में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या का चौमुखी विकास हुआ है। आज त्रेतायुगीन अयोध्या का दृश्य आपको अयोध्या में देखने को मिलता है, चाहे वो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो विश्व स्तरीय बस अड्डा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो दर्जनों रोड ओवर ब्रिज हो, चाहे अयोध्या को जोड़ने वाली 4 लेन 6 लेन सड़कें हो, चाहे वो 1 दर्जन रेलवे स्टेशन का विकास हो, चाहे दर्जन भर ट्रेनें अयोध्या से लेकर के सुदूर क्षेत्रों में आवागमन का साधन हो और चाहे गरीब कल्याण के लिए 13 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड हो, 19 लाख लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था हो, 4 लाख लोगों को यहाँ पर आवास देने की व्यवस्था हो, शौचालय देने की व्यवस्था हो, किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था हो, तो सेवा का काम भी, सुशासन का काम भी, गरीब कल्याण का काम भी, विरासत का काम भी, विकास का काम भी, कानून का राज भी, इस प्रकार से अयोध्या आज विकसित हुई है। जाको प्रिय नराम वैदेही,
कोटि बेरी सम्यद्दप परम स्नेही। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर में भगवान राम को प्रतिष्ठित हुए देख करके आनंदित होते हैं, उल्लासित होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को, सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। वो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से संज्ञा देते हैं। वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर लोग इसलिए आते हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसी अयोध्या के अंदर नियत कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया और सरयू की जो धारा थी उसको लाल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के शासन में यही फैजाबाद में दंगा हुआ, यही कर्फ्यू लगा। शाहगंज में दंगा हुआ, यही पर रुदौली में दंगा हुआ, यही पर आतंकवाद ये पे मुकदमे वापस लेने की घोषणा हुई। आप बड़े आक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरासत का भी उसका मुद्दा है और विकास का भी उसका मुद्दा है, सेवा का भी है, सुशासन का भी है, गरीब कल्याण का भी और राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। और इसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर हम एम्स भी बना रहे हैं, आईआईटी बना रहे हैं, मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करण त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गंभीर आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, ये कहा गया है कि जाको प्रिय नाम वैदेही, स्पष्ट तरीके से कहा गया। यहीं पर अगर देखें, ये नगर साक्षी है इस बात का कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जान का निमंत्रण दिया गया तो आपके अलायंस ने यहां आना मुनासिब नहीं समझा। यही बगल सरयू में धारा में आके उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के अजय, वो स्नान करके चले जाते हैं, दर्शन नहीं करते हैं। ये जो आक्षेप आपके ऊपर कहीं राम विरोधी होने का लगता है, किस रूप में आप देखते हैं? पहली बात तो अयोध्या की धरती से सबको जय श्री राम। और सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं वो यहाँ आए थे और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव अविनाश राय जी भी थे, अविनाश पांडे जी भी थे। उन्होंने सरयू जी में स्नान भी किया और भगवान श्री राम के दर्शन भी किए हैं। और जो ये बता रहे हैं कि गाली देने वाले, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास तीन चार प्रकार के मुद्दे रहते हैं, हिंदू मुसलमान। अरे सुनिए पहले आप, देखिए जब आप बोल में प्रशांत था, देखिए अब मैं अपनी बात भी करूंगा। आप केवल हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप केवल मंदिर मस्जिद करते रहिए, आप केवल भारत पाकिस्तान करते रहिए, आप केवल मंगलसूत्र की बात करते रहिए, आप केवल भैंस की बात करते रहिए। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं इस समय, देश में भगवान श्री राम का मंदिर बंद क्या है? हम लोग का आस्था का विषय है, वो हम लोग के आदर्श है। लेकिन इसके साथ अश्विनी जी हमारे देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। दरअसल स्वाति मालीवाल की एक मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है जिसमें स्वाति मालीवाल को कई जगह चोट का खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। शरीर पर कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। स्वाति मालीवाल का आपको बता दें कि एम्स में 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था, जिसके बाद में ये मेडिकल की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जब से कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया था, और इस वीडियो में आप देख सकते थे किस तरीके से सीएम आवास के बाहर उनको महिला पुलिस के द्वारा बाहर निकलवाया जा रहा था। तो ये खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही, जहां एम्स में 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच हुई थी और जिसकी अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और अब से कुछ देर पहले ये वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया, अगर एक तरह से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने से जुड़े हुए कई सारे वीडियोज जो है वो अब सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। और जो मेडिकल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। स्वाति मालीवाल को कई जगह पर चोटें आई हैं और कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं, इसका खुलासा इस मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है, जिसकी बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई मारपीट उनके साथ नहीं हुई। लेकिन अब ये मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है वो सब कुछ साफ साफ बयां कर रही है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जो अब से कुछ ही देर पहले सामने आया है, और इस सीसीटीवी फुटेज में महिला पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम आवास के बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें बाहर सीएम आवास के निकाला जा रहा है। शायद इस दौरान ये सभी लोग भूल गए कि वो देश में एक सांसद है, राज्यसभा सांसद है, संसद के अंदर बैठती है। लेकिन इस दौरान सब मर्यादा एकदम साइड करते हुए जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर निकाला गया है। जिस महिला सुरक्षा की बात आम आदमी पार्टी करती है उसकी सच्चाई बताता हुआ ये वीडियो इस वक्त सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आपसे कुछ देर पहले ये वीडियो सामने आया और अब
हमारे सामने अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस मेडिकल रिपोर्ट में कई तरीके के खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास गिरीश? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा कुछ देर पहले जो सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है किस तरह से महिला पुलिसकर्मी उनको जबरदस्ती बाहर लेकर जा रही हैं, क्योंकि हालांकि वो राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में उनके साथ उन्हीं की पार्टी एजेडी द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है सीएम आवास से। और अब कुछ देर पहले उनकी जो स्वाति मालीवाल की मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है, उसमें साफ दिखाया गया है कि मालीवाल को कई जगह पर चोटें आई हैं, शरीर में कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब उनका मेडिकल हुआ था और करीब 3 घंटे तक उनका एम्स के अंदर मेडिकल हुआ था, वो उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई थी, अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है साफ बता रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी और उनके जो चोटें आई हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जी गिरीश, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मेडिकल रिपोर्ट की जो इस वक्त सामने आ चुकी है, जिसमें कहां कहां पर उनको चोटें लगी हैं, पूरा उसमें एक एक चीज का पूरा ब्यौरा दिया गया है और यहां पर किस तरीके से उनकी तस्वीर में आप देख सकते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए। और जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि नहीं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है वो साफ साफ बयां कर रही है कि मारपीट हुई है और कितनी चोटें स्वाति मालीवाल को आई है ये भी इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। गिरीश, आपके पास वापस आना चाहेंगे, इस रिपोर्ट में और क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं? देखिए, रिपोर्ट में साफ हुआ है कि कहां कहां पर उनको चोटें लगी हैं, कहां उनके पैर में चोट लगी है, कहां पर उनके आंख के पास जो चोट है अंदर की तरफ वो लगी है, पूरी तरह से जो अंदरूनी चोटें हैं और इस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वाकई में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, उनको चोटें आई हैं। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी बयानबाजी हो रही थी कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, दिल्ली पुलिस के पास ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है सीएम आवास के अंदर। क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, पहले जो महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही कृतिका दिल्ली के अंदर, आज उनको अपनी खुद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर इस तरह की घटना हुई, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हुए हैं। और अब ये रिपोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं कहें तो एक तरह से ये रिपोर्ट पूरी तरह से तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सवाल उठाए हुए थे कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, वो अपने आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने उन लोगों के को तमाचा जरूर दिया है जिन्होंने सवाल किए खड़े किए हुए थे स्वाति मालीवाल के ऊपर। अब ये रिपोर्ट सामने आई है जिससे स्पष्ट हो गया है कि पूरी तरह से कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। और क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में भी कहा है कि उनके साथ विभव कुमार ने इस तरह से बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की, और ये रिपोर्ट क्लियर हो गई है। अब क्योंकि मैं आपको बता दूं, विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले भी नोटिस जारी किया था, वो पहले नहीं पहुंचे, दोबारा उनको नोटिस जारी किया गया है और आज की डेट उनको फिर से दी गई है, लेकिन उनको लगातार ढूंढा जा रहा है और अभी तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कृतिका, अब से कुछ देर पहले जो राघव चड्ढा हैं राज्यसभा सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर उनसे मिलने पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी वो सीधा मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते क्योंकि उनको सबसे पहले विभव कुमार से मिलना होगा, विभव कुमार तय करेंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि पहले वाले अगर माहौल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से जाकर कोई भी मिल सकता था, जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री करते थे आज वो खुद वीआईपी कल्चर अपना रहे हैं क्योंकि उनको उनके पीए से पहले बात करनी पड़ती है, पीए चाहेंगे तो वो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से, अगर पीए नहीं चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। और उनकी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं स्वाति मालीवाल ने, और आज देखना होगा कि राघव चड्ढा उनसे मिलने आए हैं, क्या बातें होती हैं, क्या बातें नहीं होती हैं, क्या उनसे मुलाकात अंदर हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी एक सांसद मुलाकात नहीं कर सकती है? देखिए, यही सवाल खड़े हुए हैं
मैं आपको अगर पिछले कुछ सालों पुराने की बात करूं, कृपया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, जब से इसका गठन हुआ है, लगातार मैं जब ये आंदोलन किया करती तब से मैं इस पार्टी को कवर करते आ रहा हूं। बिल्कुल। तब उस समय जिस दिन पहली बार इन्होंने पार्टी का गठन किया था, तब भी मैंने जो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, ये राष्ट्रीय इनके दिल्ली के संयोजक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल, तब मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या गारंटी है कि आप सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे आप, और ये नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम नहीं लेंगे। लेकिन गिरीश, लेकिन अगर देखा जाए, जी माफी चाहूंगी आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि राघव चड्ढा भी, उनका इलाज चल रहा था और अब वो भी पहुंचे हैं, तो ये जो राजनीति चल रही है, सियासी घमासान जो चल रहा है, अब इसमें और कितना उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि राघव चड्ढा जब मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल से तो सीधी सी बात है इस पूरे मामले पर भी चर्चा तो जरूर होगी। बिल्कुल, चर्चा सारे विषयों पर होनी है। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि वीआईपी कल्चर खुद अपनाने लगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये सवालों के घेरे में है उनके इस जो पूरी अपनाने वाली वीआईपी कल्चर अपनाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से अब वो आम लोगों से सीधा नहीं मिल पा रहे हैं, उनको पहले एक दायरा पार करना पड़ता है। तो आज पहले राघव चड्ढा सीएम आवास जाएंगे, वहां से फिर विभव कुमार तय करेंगे क्या उनसे उनको मिलना है नहीं मिलना। अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि वो भी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हालांकि वो पंजाब की तरफ से उनको राज्यसभा सांसद भेजा गया है, तो काफी दिनों से राघव चड्ढा कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे पूरी तस्वीर के अंदर। हालांकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत के लिए कहा गया था, तब उन्होंने कहीं ना कहीं एक ट्वीट जरूर किया था, बिल्कुल लिखा था जी। लेकिन अब उसके बाद इतने दिनों बाद, क्योंकि काफी दिन से कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा विदेश के अंदर हैं और वो विदेश से लौटकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, क्या बातें होती हैं देखना होगा, क्या दोनों नेता आपस में क्या बातें करते हैं। राघव चड्ढा भी राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली के बिल्कुल गिरीश, और राघव चड्ढा की हम बात कर रहे हैं, और राघव चड्ढा जो है वो अब सीएम आवास पर पहुंच भी चुके हैं, यानी कि अगर ये कहा जाए कि बातचीत भी शुरू हो गई होगी, और खास तौर पर क्योंकि यही जो मामला है स्वाति मालीवाल वाला, ये मामला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, तो इस पर भी चर्चा होगी, साथ ही क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में मतदान भी होना है तो उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली की जो राजनीति है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वैसे तो उस मौसम के विभाग, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में भी गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन सियासी गर्मी, सियासी तापमान जो है वो भी देश की राजधानी दिल्ली का इस वक्त बढ़ा हुआ है। तो इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन वापस रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम जनवाणी का। नमस्कार। ऐसा कुछ नहीं है। पांडे जी हैं जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पर। सच्चिदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे लड़ाई में कहाँ अपने को खड़ा पाते हैं। ये कई दफा, कई सीटों पर, कई जगहों पर ये बताया जाता है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, सीधी लड़ाई है इंडिया ब्लॉक में, गठबंधन विपक्षी में और भाजपा में, आप कहाँ पर हैं, आप क्या इस चुनाव में कहाँ खड़ा पाते हैं अपने को और बसपा को? देखिए, पहले तो अयोध्या की इस पावन नगरी पे जो यहाँ पे श्रोतागण है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। जहां तक बात है, मैं अपने आप को कहां खड़ा पाता हूँ, तो यहाँ पे जो जनता है, जो युवक है, जो हमारी ग्रामीण जनता है, वो विकास चाहती है, वो ये देख रही है जिस प्रकार से जुमलेबाजी यहाँ पे चल रही है, वो विकास कहीं ना कहीं खो गया है। इस अयोध्या नगरी के बाहर यहाँ पे कोई विकास नहीं है, ना कोई यहाँ पे विकास की धारा है। तो इस बार जनता यहाँ विकास चाहती है। विकास के लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवाओं का जो है बेसिक डेवलपमेंट स्किल सेट का, और उनके लिए रोजगार, ये पांच मुद्दे यहाँ के लोग चाहते हैं, जो कि इसकी बात यहाँ कोई नहीं करता। देखिए, आप एक बात समझिए, खाली पेट ना भजन गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, मंदिर बना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अब इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे से उठ के हम सबको विकास की धारा पे आना पड़ेगा। हमारे जो नवयुवक यहाँ बैठे हैं, जो पढ़ लिख के यहाँ से दिल्ली, नोएडा, मुंबई जाते हैं, उनको यही रोजगार चाहिए। इसकी कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा राजनीतिक बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं, लेकिन यही प्रैक्टिकल है। रिलीजन हमारा बिलीव है और ये हमारे खून में है।
हमसे कोई राम जी को छीन नहीं सकता, ठीक है, ना ही हमें किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत है कि मेरे को सर्टिफिकेट दे कि हम रामद्रोही हैं या राम पुजारी हैं, ठीक है। जनता को विकास चाहिए और विकास सिर्फ राम राम कहने से नहीं होगा मान्यवर, हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। गांव गांव में योगी जी मोदी जी नहीं आते, जब चुनाव आता तभी आते। चलिए, हमारे साथ कमलाकांत सुंदरम जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ से फैजाबाद से संबद्ध है। आप किस रूप में इस चुनावी लड़ाई को देखते हैं? बसपा के अलग दावे हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन के अलग दावे हैं। आज यहाँ पूरे क्षेत्र में चाहे विकास के नाम पर, जैसा कहा गया विकास भी विरासत भी, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं और जनता के मन में कुछ क्या है? देखिए, जहां तक बात इस चुनाव की या जो भविष्य में पहले भी हुए चुनाव है और भविष्य में होने वाले चुनाव है, जो इस तरीका का जो एक ट्रेंड रहा है, मुद्दे बहुत से उठते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर जब तक जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाता है वो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वो जाति आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, कहने के लिए लोग कोई चाहे जो कुछ कहे आदमी, लेकिन वास्तव में मुद्दे से किसी को सरोकार है नहीं। अयोध्या की जहां तक बात करें हम, तो ये अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री कभी नहीं थी, आजादी के बाद से आज तक न कोई फैक्ट्री लगी, न किसी ने रोजगार की उस समय चिंता की। उस समय भी यहाँ पर धर्मकर्म के ही आधार पर यहाँ के पंडा है, चाहे पुजारी है, चाहे साधु संत है, जितने मंदिर है वही उद्योग का केंद्र भी है, वो आस्था का भी केंद्र है, और उन्होंने ही यहाँ की जनता को पाला है और यहाँ पोसा है। यहाँ वर्ष में 3 मेले होते थे, चैत्र रामनवमी, सावन झूला और कार्तिक। इन्हीं मेलों में आने वाली जनता और उनसे जो भी आय होती थी उसी से मंदिर भी पनपते हैं, उसी से यहाँ का व्यापार भी पनपा है, यहाँ के व्यापारी भी पनपे हैं और चाहे छोटे छोटे उद्योग भी पनपे हैं। ऐसे में आज की जो परिस्थिति है कुल मिला के चारों ओर से ध्रुवीकरण की ही है, चाहे वो जिस भी आधार पर हो, और यही ध्रुवीकरण ही अंतिम में परिणाम देता रहा है और यही चुनाव का अंतिम विश्लेषण भी जाता है। अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं उसमें कभी एक छत्र आजादी के बाद से कांग्रेस का यहाँ पर बोलवाला रहा है, लेकिन इमरजेंसी के बाद से परिस्थितियां बदली और उसके बाद से यहाँ पर जनता दल की सरकार आई, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन का 90 के दशक में जब शुरुआत हुई है तब से राजनीति की धारा बदली है। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत कर। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा सबको की चोंचों मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खान को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में पकड़ने जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव गांव शहर शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। संत महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं, शशिकांत दास जी, सरयू आरती आप प्रतिदिन कराते हैं, उसको संपन्न कराते हैं, कितनी लहरों में बदलाव आया है। सरयू की अनंत काल से धारा है, गंगा जी से पहले की धारा सरयू जी की धारा है, कितना बदलाव, आज क्रूज चल रहा है, आज यहाँ से लेकर गुप्तार घाट तक पूरा पर्यटन फैला हुआ है, कितना बदलाव देखते हैं। विपक्षी ये कहते हैं कुछ नहीं बदली, उनके नेत्रों के सामने पर्दा लगा हुआ है, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, उनको देखना चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ रोजगार नहीं है, अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम तक कम से कम 40,000 ई रिक्शा जो हमारे ग्रामीण अंचलों से आकर के यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, डेली 1,000-2,000 पैदा कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं यहाँ लोगों को, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निःशुल्क राशन बिना शुल्क के सबके घरों में बुला बुला करके लोगों को दिया जा रहा है। राम हमारे देश की आत्मा है, राम हमारे सर्वस्व है, जो राम को छोड़ दिया वो किसी काम का नहीं रह गया, उसका निश्चित निर्मूल विकास विनाश होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महंत रामदास जी देख रहे हैं जनता जयकारा लगा रही, जनता, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, अन्य राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बहुत बदलाव नहीं है। जो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी भावना के आधार पर लोग अपने अपने काम के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन आज देखिए इन युवाओं को देख लीजिए, इन बुजुर्गों को देख लीजिए, आम जनमानसों को देख लीजिए, सभी के मस्तक पे आज तिलक चमक रहे हैं। जिस तरह से आज राम भाव आ रही है, जिस तरह से अयोध्या में रोजगार बढ़ा है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा इकोनॉमी बदल गया है, इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं है, उन लोगों को अपना चिंतन करने की आवश्यकता, लोग चिंतन करें। राहुल आप युवा हैं, आप किस रूप में देखते हैं कि यहाँ पर युवाओं की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी हो रही है? जहाँ लोग मरने को तरसते हैं वहां से हमने जीना शुरू किया है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कायाकल्प हो रहा है, भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने पूरे जन जागृति कर दिया है, यहाँ पर लोगों को बहुत खुशी है। लिखा गया है मानस में, अवधपुरी प्रभु आवत बानी, भई सकल शोभा के खानी। यहाँ देखिए लाखों लाखों लोग दिन रात भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। राम की पौड़ी आज 2-4 लाख लोगों से इतनी रात्रि में सराबोर है, यह सब भाजपा की देन है, पूरा देश राममय हो चुका है, जय श्री राम। देखते हैं एक बदलाव आया है, लोगों के जो उद्गार है वो भी यहाँ स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं, विपक्षी दलों को ये नहीं दिखता है। सवाल ये भी कहा गया, और वो मैं सवाल पूछूंगा आपसे कांग्रेस प्रवक्ता जी से, कि किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध करते करते आप लोग राम के विरोध पर आ गए, क्योंकि भारतीय जनमानस राम मंदिर को एक विवाद के रूप में देख सकता है, लेकिन राम को कभी भी विवादित नहीं माना है, वो अकाट्य रहे हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए अयोध्या की राम की पैड़ी से जनवाणी।
आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव गांव शहर शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी, देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। बिछ गई लोकसभा चुनाव के बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोचो मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। के बाद आप सभी का स्वागत है हमें राम की पैड़ी पर, कार्यक्रम जनवाणी, जानने की कोशिश है लोकवाणी लोकसभा चुनाव में। इससे पहले चर्चा हो रही थी, संत महात्माओं ने बताया कि किस तरीके से बदली है अयोध्या, और इसी का हम प्रत्युत्तर जानना चाहेंगे विपक्षी दलों से। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करण हमारे साथ है, आपसे डॉक्टर करण ये जानना चाहेंगे कि एक बेहद बारीक सा अंतर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मालिकाना हक का विवाद है उसमें अलग अलग पक्षकार हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी पतली रेखा है जहां पर राम मंदिर विवाद से जाकर समूचा विपक्ष राम का विरोधी साबित हो जाता है। राम का विरोध करके आज स्थितियां उत्तर प्रदेश में ये हैं कि 89-90 के बाद से कांग्रेस लगातार गिरावट में है। अन्य राजनीतिक दलों ने राम का जो विरोध किया उस पर आप क्या कहते हैं, राम का विरोध राजनीति में क्यों? कांग्रेस ने भगवान श्री राम का या भगवान श्री राम के मंदिर का कभी विरोध नहीं किया है, पहली चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, ताला किसके शासनकाल में खुला था उस समय आपको पता है? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा, और राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था यहां,
अब हमारे देश में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के पश्चात रामराज की कल्पना होनी चाहिए। और ये व्यवस्था कैसे होगी? जितने रोजगार युवा खड़े हैं पूछिए, मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था, मिल गया रोजगार? पूछिए, अभी हम नहीं मिला। सुनिए, अब देखिए ये होता है, नहीं किया। दूसरा, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, ठीक है, कही थी, हो गए दुगनी आय। अवधेश बादल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, किसानों की स्थिति बड़ी खराब है, नौजवानों से पूछने के लिए कह रहे हैं, अभी हम पूछते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं था, यह हमेशा आस्था का विषय था, संकल्प का विषय था, प्रतिबद्धता का विषय था। ये जो राजनीति की गई उस पर जो ये आक्षेप लगा रहे हैं, उस पर आपका जवाब क्या है? तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तिन्हई सुहाई नावध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। जो चोर है उनको चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती। त्रेता युग में भी रावण थे और त्रेता युग में कालनेमी भी थे। ये अयोध्या राम राज्य की स्थापना भूमि है और राम जी की प्रतिष्ठा केवल राम जी की प्रतिष्ठा नहीं है, ये समूचे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। ये निषाद राज के मित्रता की भी प्रतिष्ठा है और ये सेबरी के जूठे बेर खाने की भी प्रतिष्ठा है। ये सामाजिक समरसता स्थापित करने की प्रतिष्ठा है। क्या वजह थी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आई, राहुल जी, सोनिया जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आए? क्या ये संयोग है? ये राम को नकारने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, हलफनामा दे करके कहने वाले हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसानों की बात करते हैं, आज 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि प्रत्येक वर्ष मिल रही है, किसान अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में पकड़ने जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए, बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है, आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी, देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम,
सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत कर। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोचो मसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जनता खुद बताएगी कि विकास हुआ है कि नहीं, अयोध्या में विकास हुआ है कि नहीं। बहुत विकास हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में आधारभूत संरचना या फिर कोई भी विकास बदलाव नहीं आया है, बात सही है? जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ पे 100% से भी ज्यादा विकास हुआ है, कोई शब्द ही नहीं है। अयोध्या ही नहीं, समूचे पूर्वांचल का भी एक खाका बताएं जरूर कि क्या कुछ परिवर्तन आया है। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ उस पवित्र भूमि को जो पूरे संसार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी यह जन्मभूमि है। हमें गर्व है इस बात पर, अपने साधु संतों पर और इस समाज पर कि हम कम से कम अवध क्षेत्र के वासी हैं, और इस बात का गौरव प्राप्त किए हैं कि आज के इस पावन सरयू तट पर ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। अभी एक आवाज आई हमारे बीच, मंच पर विराजमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, बसपा के प्रवक्ता जी हैं। हम इनसे केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं, अभी एक बात हमने सुनी कि ताला खुलवाया कांग्रेस ने, क्या आंखों पर पट्टियां मत गई थी? ये ताला कांग्रेस के आदेश से खुला था अथवा न्यायालय के आदेश से खुला था? न्यायालय के आदेश से खुला था। हमने बोला राजीव गांधी के शासनकाल में ताला खुला था। मैंने ये बोला है, बात विकास की होती है, आप विकास अपने आईने को बदल लीजिए, मोतियाबिंद का आप लोग अपना ऑपरेशन कराइए, ये अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ बना, हवाई अड्डा यहाँ बना, यहाँ से 4 लेन की सड़कें सारे धामों तक, चित्रकूट से लेकर के कहाँ कहाँ तक जोड़ी जा रही हैं, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी की पहली देन थी। किस भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण हुआ? कितना विकास आप चाहते हैं? जन जन तक विकास की धारा बह रही है। हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप सीधे अयोध्या में चले जाते हैं। आप ये बताए, सुरक्षा बेहतर हुई है, सशक्तिकरण हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है जो मोदी जी ने किया है, इतना बदलाव किया है पहले हमने कभी नहीं देखा। 1990 में मैं जब 10th में थी ना, लड़कियां मर जाती थी, कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब ध्यान दिया जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और विकास तो सबको दिखाई दे रहा है। कहाँ विकास नहीं हुआ? अगर विकास नहीं है तो इतनी रिक्शा क्यों है? ये इतनी सारे सब लोगों को रोजगार मिल रहा है अपनी योग्यता के अनुसार, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और सर सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी नहीं होता। चलिए आप बताएं, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कहा गया, किस तरीके से समाज में बदलाव आया है? सुरक्षा भावना तो बहुत मजबूत हुई है, हम कहीं पर भी जाएं पुलिस वगैरह होती है, कॉल करते हैं तो पुलिस भी हेल्प करती है, जगह जगह सपोर्ट करती है, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती है, और केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हम एक चीज ये पूछ रहे हैं, नौजवान हो युवा हो, 20-25 साल की उम्र है, अभी विपक्षी ये कह रहे थे कि रोजगार की स्थितियां नहीं है, क्या अयोध्या में आपको रोजगार स्वरोजगार बढ़ा दिखता है कि नहीं? अयोध्या में रोजगार कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि 70 साल में एक भी कंपनियां नहीं बनी है, कांग्रेस की सरकार में कोको कोला की फैक्ट्री फैजाबाद में एकमात्र कंपनी बनी, उसके बाद से आज तक कोई कंपनी नहीं बनी है कांग्रेस सरकार के अलावा। दूसरी बात, इन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि ई रिक्शा चला रहे हैं लोग, और ई रिक्शा वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ये वही जानते हैं। श्री राम जिनको लाए हैं तो श्री राम उन्हीं को लेकर आएंगे राम राज्य को स्थापित करने के लिए। ये लोगों के सेंटीमेंट है जो कि कहीं बाहर से आए हैं, पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर काफी आधारभूत संरचना का विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना लोगों के बहुत लंबे समय की मनोकामना को पूर्ण होने जैसा है। हम आपको फैजाबाद के संसदीय इतिहास की भी बात बताएंगे। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 1977 के अलावा आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए 1980 तक, हमेशा जो है इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। सबसे ज्यादा बार अगर यहाँ पर सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने जीती हैं। पांचवें चरण में 20 मई को केवल अयोध्या ही नहीं, फैजाबाद सीट ही नहीं, अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज
और साथ ही साथ लखनऊ सीट पर चुनाव होने हैं जो कि अयोध्या से सटे हुए क्षेत्र हैं। पांचवें चरण में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं और 13 सीटें भाजपा के कब्जे में थी, एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही थी। अगर इससे खास सीट की बात करें, फैजाबाद सीट की बात करें, तो 1984 और 2009 में आजादी के बाद 1977 में ही केवल यहां पर कांग्रेस हटी, उसके बाद 1984 और 2009 में कांग्रेस की सीट रही, निर्मल खत्री यहां से जीतने में कामयाब रहे। 1989 और 1998 और 2004 में मित्रसेन यादव ने यहां से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, सीपीआई समाजवादी पार्टी और बीएसपी से। उसके अलावा अगर बात करें तो 1991, 96 और 99 में विनय कटियार ने यहां से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में एक बार फिर मित्रसेन जीते, 2009 में निर्मल खत्री जीते और 2014 के बाद से 2019 दो बार लल्लू सिंह यहां से वर्तमान सांसद हैं और हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। ये संसदीय क्षेत्र अगर देखें तो हिंदुत्व और जातीय ध्रुवीकरण इन दोनों के लिहाज से कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण रही है। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव गांव, शहर शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए, बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है, आईटी हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी, देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोर चोर मसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीति घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान, केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत, हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में।
अरविंद सेन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन पूरे देश में है। स्थितियां ये होती हैं कि गठबंधन होने के बाद भी कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट या फिर दूसरे प्रत्याशी होते हैं। इस सीट पर आप क्या मान के चलते हैं, वो नुकसान हो सकता है आपके लिए? देखिए अश्विनी जी, पहली बात तो ये 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह जी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने एक महीने पहले जानते ही स्टेटमेंट किया दिया कि 272 तो बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन संविधान बदलने के लिए 400 सीट लाना बहुत जरूरी है। और उनके कई नेताओं ने कहा, तब से पब्लिक जिनके वोटर्स थे ना, SC ST OBC जिसको लेकर गरीब और आसान देखे, जो उनको वोट पा रहे थे, सब गड़बड़ हो गए। फैजाबाद की बात करता हूं, पिछले साल लल्लू सिंह जी करीब 65,000 वोटों से जीते थे। उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री जी भी 51,000 समथिंग वोट पाए थे, 15,000 का फर्क है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इधर 5 सालों में नए वोटर भी बढ़े हैं, और वो जो नए वोटर हैं वो यूथ हैं, युवा हैं। और इस पूरे 2000 लोकसभा के चुनाव में अयोध्या के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा निर्णायक किसी का वोट होने जा रहा है तो युवाओं का होने जा रहा है, और यही हुआ, यही हुआ। इनको देखिएगा, पटकनी देंगे और 2024 के चुनाव के बाद ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, युवाओं से भी राय लेंगे। सच्चिदानंद पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर गठबंधन के बाद भी मित्रसेन यादव का जो राजनीतिक परिवार है वहां से कहीं ना कहीं लोग खड़े हैं, आप क्या देखते हैं कि वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा या फिर आपको लाभ पहुंचाएगा, या फिर इस सियासत में क्या होगा? 2024 लोकसभा जो है, यहाँ पे लोकसभा की बातें होनी चाहिए कि आपने इस फैजाबाद लोकसभा में क्या काम किया है। भैया आपने देश विदेश में काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया, मैं भी तारीफ करता हूँ, लेकिन इस लोकसभा में क्या काम किया है? दरियाबाद में क्या काम किया है? रुदौली में क्या काम किया है? मिल्कीपुर बीकापुर में क्या काम किया है? इसकी चर्चा कोई नहीं करता है ना। ये कह रहे हैं अयोध्या ही विकसित हुआ, मिल्कीपुर बीकापुर जो और विधानसभा क्षेत्र है उपेक्षित है, किस रूप में देखते इस निष्पक्ष राय दिया? देखिए, ये कहना तो पूरी तरीके से गलत है कि सिर्फ अयोध्या का, अयोध्या पूरी पूरा जिला अयोध्या है, और जो भी विकास हो रहा है उसका लाभ पूरे जिले को मिल रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन अगर बना है, वो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन बन रहा है, तो आप चाहे विरोध के नाते चाहे जो कुछ कहिए, लेकिन उसका लाभ सारे, और यहाँ के सारे स्टेशन को का स्वरूप बदला है, और सारे स्टेशनों की स्थिति विकसित हुई है। ये विकास की अगर इसको आप कोई ना माने तो ये एक अलग विषय है, लेकिन इसी तरीके से जो अयोध्या का विकास है वो पूरे जिले का विकास है, उसका पूरा लाभ मिला है। वो रेलवे कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर एयरपोर्ट का मामला हो, और चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो, सारे अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ है। और ये जरूर है कि तमाम सुधार की आवश्यकता निरंतर होती रहती है, लेकिन विकास का एक क्रम चल रहा है, वो सिलसिला चल रहा है। तो माना आक्षेप ये भी लगे थे कि युवाओं की बातें नहीं हो पाई हैं, हम कुछ युवाओं से भी जानकारी लेंगे। नौजवान हैं आप लोग, आप ये बताएं कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार की स्थिति में कुछ इजाफा हुआ है। अभी एक वायरल हुआ है यहाँ से वीडियो, एक छोटा सा बच्चा कहता है, कह रहे का डॉक्टर से कम समझे हो, जो केवल टीका लगा के काफी कुछ कमा लेता है। लोगों की आमदनी बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, जो प्रतिदिन कम कमाए थे, दर्शक ज्यादा आने से, यात्री ज्यादा आने से लोगों की आमदनी प्रतिदिन की आय बढ़ी हुई है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हुई है। चलिए दादा, ये बताए, रोजी रोजगार की बातें की जाती है, उनमें इजाफा हुआ है? हमको ये पूछे कांग्रेस वाले बताए, किस समय बेरोजगार नहीं रहे बच्चे, सब झूठ बोले, बच्चे हमेशा बेरोजगार रहे हैं, और अपने आप जो काम करते हैं वो रोजगार, सरकार बहुत रोजगार दी है, अब काम कर रहे हैं, जो करने वाले कमा रहे हैं, लोग कमा लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हमेशा रहे लोग, हर सरकार में रहे और रहेंगे। आप बताएं क्या स्थिति है रोजगार के बारे में? तो हम यहाँ जो लड़का चंदन लगा रहा था उससे पूछे, बोला कि भैया आजकल तो हम लोग 1500-2000 रुपए पर डे चंदन लगा के कमा लेते हैं, तो जब उसकी कमाई इतना है तो अभी यहाँ पे ई रिक्शा है, जो गाड़ियाँ है, जो मीठे की दुकान है, जो प्रसाद है, सब कितना कमा रहे होंगे। चलिए, और वो बहुत वायरल भी हुआ, एक बच्चे का वीडियो था, वो काफी कुछ वायरल हुआ है कि वो किस तरीके से बताया। चलते चलते हम यहाँ के संत महात्माओं से जानना चाहेंगे, एक स्थितियां ये बनी थी कि यहाँ का संसदीय क्षेत्र
फैजाबाद अयोध्या पूरे देश की राजनीति तय करता था। अभी आपको क्या दिखता है कि विकास और विरासत, योगी और मोदी कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जो विपक्ष के आक्षेप है। देखो मैं एक चौपाई सुनाता हूँ रामायणी होने के नाते। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता होई। कोई किसी से बैर नहीं करेगा, कोई किसी को दबाएगा नहीं, सब अपनी स्वतंत्रता से अपने धर्म में बने रहेंगे। यही योगी जी और मोदी जी का विचारधारा है। जो वादा किया जाता है कि रामराज की स्थापना की जाएगी, कितना फलीभूत होता देखते हैं। पूर्ण रूप से फलीभूत हो रहा है और निश्चित रूप से विकास की एक जो अविरल धारा बह रही है उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। भगवान राम ही विकास की धारा है। इसके पहले वाशिंगटन में जा करके दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन इंतजार करते थे। आज हमारे भारत देश की प्रतिष्ठा, हमारे भारत देश की गरिमा जो बाह्य देशों में बनी है, क्या इसके पहले सरकारें नहीं थी? क्या इसके पहले लोग नहीं थे? आज हमारा हौसला बुलंद है, आज भारत बुलंद है। भगवान राम भारत में विराजमान है। नौजवान बहुत उत्साहित है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी छोटे भाई जो उनके थे भरत जी, उनकी तपोस्थली से हूँ। भरत जी का भी भव्य मंदिर बन रहा है और कहा गया है, नंदी ग्राम करी पर्ण कुटीरा, कीन्हु निवास धर्म धर धीरा। चलते चलते हम नौजवानों से भी एक राय लेते हैं कि किस रूप में ये लोकसभा चुनाव होगा। आप बताएं कि वर्तमान परिस्थितियां जो लगती है, रामराज की संकल्पना कही जाती है, वो कहीं आती दिखती है? बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह अगले 20 वर्ष तक सरकार रहेगी और पूरे देश में रामराज लागू होकर के रहेगा। हमने देखा कि ये फैजाबाद सीट के मुद्दे हैं, यहाँ पर राममय कहीं ना कहीं पूरा माहौल दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रामराज की वो संकल्पना जो ये कहती है कि दैहिक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी है कि ऐसे समाज का गठन हो जो पूरी तरह से विषमता को समाप्त करे, जो समानता के अधिकार सबको दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अयोध्या से रामराज की संकल्पना ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र के सर्वोत्तम स्वरूप से परिचित कराया। तो जनवाणी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए संसदीय क्षेत्र में। नमस्कार।